तो फ्रेंड्स मेन रोड से मापेनलूर करीबन 5 किलोमीटर है, तो रास्ता बहुत पतला है, नैरो है और क्लाइंब बहुत स्टीप है। धीरे धीरे से चलाइए, लेकिन रोड कंडीशन अच्छा है, बुरा नहीं उतना। एंड उसके बाद करीबन आपको 2.5 किलोमीटर्स आने के बाद ये एक है, एक जंक्शन जैसा मिलेगा, तो ट्रेवलर्स नेस्ट आपका लेफ्ट की तरफ है इस साइड। एंड अगर नवो होम स्टे बुक करते हैं तो इस साइड जाना पड़ेगा। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ट्रेवलर्स नेस्ट, क्योंकि हम लोगों का बुकिंग ट्रेवलर्स नेस्ट पे ही है। सो फाइनली पहुंच गए हैं मापेनलूर। अमेजिंगली ब्यूटिफुल प्लेस राइट। और वो देखो मेरा छोटा वाला कुछ बोल रहा है, क्या 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 तो मैं अभी हूँ ट्रेवलर्स नेस्ट गेस्ट हाउस मापेनलूर। एंड दिस इज द प्लेस, यहाँ पर एक्चुअली 5 लेक हैं। मैं थोड़ा देर बाद ड्रोन रहूँगा तो आपको देखने को मिलेगा। तो 5 लेक हैं, अमेजिंगली ब्यूटीफुल प्लेस। लुक एट द ग्रीन फील्ड्स, लुक एट द मियाडोस। काफ़ी ऑल्टीट्यूड पे है तो यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा है, अभी धूप है तो ठंडा कम लग रहा है, बट इट इज़ वेरी प्लेजेंट एट दिस मोमेंट। आज है 24 जुलाई एंड नाउ अभी टेम्परेचर है 25 डिग्रीज अराउंड। एंड रात को यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा चिली हो जाता है। सो अगर आप प्लान करते हैं यहाँ पर आने के लिए तो प्लान अकॉर्डिंगली, हल्का फुल्का वार्म क्लोथ आपका समर सीज़न में ठीक रहेगा, बट विंटर सीजन में आपको हैवी विंटर क्लोथिंग्स का ज़रूरत पड़ेगा। एंड सी अभी रेनी सीजन है तो मानसून की वजह से पूरा एरिया ग्रीन होके रखा है, पूरा ग्रीनिश होके रखा है। अगर आप ठंडे में आते तो थोड़ा सा ब्राउनिश दिखाई देगा ये सब, बट नाउ इट्स वेरी लास्ट ग्रीन। मैं इस कॉटेज में रुका हूँ, कॉटेज का चार्जेस पड़ा मुझे 2000 रुपीज़, एंड दिस काइंड ऑफ कॉटेजेस आर अवेलेबल। एंड ट्रेवलर्स ने इसमें वहाँ पर नया कॉटेज बिल्ड किया, सी देर मोर सोफिस्टिकेटेड एंड मोर ब्यूटीफुल, बट वहाँ पर मुझे बुकिंग नहीं मिला। तो उन कॉटेजेस का रेट है 2500 से 3000 रुपीज़। यहाँ पर कैंपिंग का भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आई एम नॉट श्योर कि आप खुद का टेंट ला के पिच कर सकते हैं या नहीं, शायद पिच कर सकते हैं, यू हैव टू पे सम नॉमिनल चार्जेस मे बी, बट इन कैंप्स का टेंट्स का प्राइस है 500 रुपीज़ पर पर्सन। डोंट टच अगर आपको रियल स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट मेघालय देखना है तो आपको नॉन्ग स्टे आना चाहिए, क्योंकि स्कॉटलैंड की तरह जो ग्रीन फील्ड्स है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। देन देर इज़ अ प्लेस कॉल मिनी स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पर मिनी स्विट्ज़रलैंड बोल के भी एक जगह है जहाँ पर ग्रीन फील्ड बहुत अच्छे मिलते हैं। कल हम लोग थोड़ी देर बाद आप वीडियो में देखेंगे, कल हम लोग वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। सो ओवरऑल लॉन्ग स्टे में काफ़ी कुछ है देखने लायक, तो इस वीडियो में आपको सब देखने को मिल जाएगा, बट बेस्ट ऑफ ऑल दिस मापेनलूर। तो इस कॉटेज में है हम लोग, कॉटेज नंबर 2, एंड कुछ ऐसा है कॉटेज। यहाँ पर एक बेड, यहाँ पर दूसरा बेड, टेबल है, हम लोगों का सामान, खाने पीने का सामान, तो दो दो चार आदमी सो सकते हैं आराम से। यहाँ पर मिरर, बाथरूम,
काफ़ी बड़ा बाथरूम है, नीट एंड क्लीन। अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30। इट्स रियली चिली, बहुत ही अच्छा वेदर है गुवाहाटी में तो। वो इट्स सो ह्यूमिड इन गुवाहाटी, बहुत ज़्यादा गर्म है, बट हियर इट्स रियली नाइसली कंफर्टेबल। यहाँ पर एक फायर प्लेस है, बढ़िया से सीट भी बनाया हुआ है, बैठ के फायर का मज़ा भी ले सकते हैं। दिस इज़ अ सिटिंग एरिया राइट हियर। रिमेंबर लेक में उतरना या स्विमिंग अलाउड नहीं है, एंड थोड़ा देर पहले हम लोगों ने स्नेक भी देखा था यहाँ पर। सो व्हेनेवर यू कम बी केयरफुल, स्पेशली अगर आपके पास किड्स हो तो सावधान रहिएगा। एंड द डॉग्स हियर आर सुपर फ्रेंडली, सुपर फ्रेंडली। मेरा बेटा तो एक कुत्ते के ऊपर उछल कूद कर रहा है, बट स्टिल वो एकदम शांत है। इफ़ यू वॉन्ट टू सी द रियल 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 स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, कम टू नॉन्सटाइन। ठीक है, ऑफ बीट है, लोग ज़्यादा जानते नहीं है, उतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ भी नहीं है जगह, बट अभी भी धीरे धीरे इस जगह की पॉपुलरिटी बढ़ रही है। आज के रात हम लोग यहीं पर रुकेंगे, एंड टुमोरो आई विल शो यू द रेस्ट ऑफ द नॉन्सटाइन दैट हैज़ टू ऑफर। एंड आई एम सिंपली यू नो, जब से आया हूँ इधर उधर घूम ही रहा हूँ, इधर उधर घूम ही रहा हूँ, मुझे इस जगह का हैंगओवर जैसा हो गया है। वो रेस्टोरेंट है, नीचे किचन है, खाना पीना वहीं से मिलता है सब, तो रात का डिनर हम लोग का वहीं पे होगा। सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, इट मोटिवेट अस अ लॉट। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, माउंटेन लॉर्ड से मैं अभिजीत आप सबसे विदा लेता हूँ। आप देख रहे थे चैनल लाइफ और मैं, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, कल मिलते हैं, रेस्ट ऑफ द नॉन्सटाइन को एक्सप्लोर करते हैं। सो टिल देन हैव अ वेरी गुड नाइट।